गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम चांदनी ठाकुर. टुडे आई विल डिस्कस अबाउट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन. जैसा आप सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्री कैनाल. ओके, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ओके, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं एक आपका एलिमेंट्री कैनाल एंड एलिमेंट्री कैनाल से एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ओके, फर्स्ट आपका होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड आपका इसमें आता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स. ओके, देन एलिमेंट्री कैनाल यू कैन से इन दिस पिक्चर, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल जिसमें आपका माउथ एंड ईसोफेगस एंड स्टार्च, ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब आपके होते हैं. ओके, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है. अब एलिमेंट्री कैनाल से ही एसोसिएटेड हम पढ़ते हैं आपके ग्लैंड्स. ओके, जिसमें आप पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड्स, ओके, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स एंड आपका लिवर एंड पैंक्रियाज. ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड. ओके, दिस डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये आपका क्या है, ये आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है. ओके, देन डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका दिस ग्लैंड्स सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, ये ग्लैंड क्या सीक्रेट करती हैं आपके, ये ग्लैंड सीक्रेट करती हैं डाइजेस्टिव जूस. ओके, डाइजेस्टिव जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड के डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव ग्लैंड डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं. ओके, नेक्स्ट रिपीट कर रही हूँ मैं फिर से आपके लिए, ये फूड के डाइजेशन के लिए. ओके, फूड के डाइजेशन के लिए जो आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं वो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती हैं. ओके, दीज आर द फॉलोइंग टाइप्स, ये आपकी कई सारे टाइप्स की होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, लिवर एंड पैंक्रियाज. ओके, ओके, दिस सलाइवरी ग्लैंड, या आपके माउथ बक्कल कैविटी मिलती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इट इज़ प्रेजेंट इन स्टोमक, इंटेस्टाइनल ग्लैंड इट इज़ प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन एंड लिवर एंड पैंक्रियाज. ओके, देन नाउ आई विल डिस्कस सलाइवरी ग्लैंड. ओके, सलाइवरी ग्लैंड, दे आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स, ये आपकी कितनी टाइप्स की होती हैं, ये आपके थ्री टाइप्स की होती हैं. ओके, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड. ओके, फर्स्ट वन इज आपका पैरोटिड ग्लैंड है एंड सेकेंड वन इज सब लिंगुअल एंड सब मैक्सिलरी. ओके, पैरोटिड ग्लैंड, वॉट इज अ पैरोटिड ग्लैंड, दीज आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, आपके बक्कल कैविटी में जितनी भी ग्लैंड हैं उसमें सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड है वो आपकी क्या है, पैरोटिड ग्लैंड है. ओके, दीज आर द लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड एंड आर सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ ईयर्स, ये कहाँ सिचुएट होती हैं आपके, फ्रंट ऑफ ईयर. ओके, आपके ईयर के जस्ट सामने, ये साइड, ये जो आपका है यहाँ पे आपकी क्या होती है, आपके पैरोटिड ग्लैंड होती है, द पैरोटिड डक्ट्स, और इसमें दो जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है वहीं आपकी क्या होती है, एक डक्ट होती है जिसे हम बोलते हैं पैरोटिड डक्ट या स्टेंसन्स डक्ट. जो एग्जामिनर होते हैं वो आपके पैरोटिड डक्ट नहीं पूछेंगे, बिकॉज इज सिमिलर टू पैरोटिड ग्लैंड, तो आपसे क्या पूछते हैं, स्टेंसन्स डक्ट पूछते हैं. ओके, देन स्टेंसन्स डक्ट ओपन इन टू द वेस्टिबल अपोजिट द अपर सेकेंड मोलर टीथ, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वॉट इज अ वेस्टिबल. देन चीक्स एंड जो आपके जॉज हैं उनके बीच का जो स्पेस होता है इट इज अ वेस्टिबल. ओके, देन ये कहाँ ओपन होती है आपकी, वेस्टिबल में एंड अपर सेकेंड मोलर टीथ के पास. ओके, अपोजिट. नेक्स्ट सबलिंगुअल, दिस लाइज अंडर द फ्रंट पार्ट ऑफ टंग, ये कहाँ पड़ी होती है आपके, फ्रंट पार्ट ऑफ टंग, या देखो लिंगुअल का मींस होता है आपका टंग, लिंगुअल का मींस क्या है, टंग. देन ये जो आपकी ग्लैंड है, ये आपकी ग्लैंड सब मतलब नीचे लिंगुअल, तो जीभ के जस्ट नीचे होती है. ओके, अंडर पार्ट, ठीक है, अंडर मतलब जस्ट आपके टंग के नीचे होती है, फ्रंट सामने, जस्ट सामने होती है. ओके, द सबलिंगुअल डक्ट्स, डक्ट्स ऑफ रेविनस. ओके, सबलिंगुअल डक्ट्स, जो सबलिंगुअल ग्लैंड की जो डक्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, रेविनस. जैसे पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट है आपकी स्टेंसन्स डक्ट, ऐसे सबलिंगुअल की होती है आपकी डक्ट ऑफ रेविनस, एंड सब मैक्सिलरी की होगी आपकी वॉल्टन्स डक्ट. ओके, ओपन अंडर द टंग, ये कहाँ होगी, टंग के जस्ट नीचे
ये ओपन होती है। नेक्स्ट है आपके सबमैक्सिलरी ग्लैंड, दिस लाइज एट द एंगल ऑफ लोअर जॉ, जो आपका लोअर जॉ है, निचले वाला जबड़ा है, उसके जस्ट एंगल्स में होती है, उसके किनारे पे होती है। ओके, द सबमैक्सिलरी डक्ट्स वॉर्टन्स डक्ट, सबमैक्सिलरी ग्लैंड की डक्ट्स क्या होती है, वॉर्टन्स डक्ट्स, ओपन अंडर द टंग, ये भी टंग के नीचे ओपन होती है। ओके अच्छा, तो आपको अब पैरोटिड ग्लैंड याद रखना है, देन पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट होती है वो आपकी होती है स्टेंसन। ओके स्टेंसन्स, स्टेंसन्स डक्ट, ओके स्टेंसन्स डक्ट। देन जो आपकी सबलिंगुअल है इसकी आपकी डक्ट होती है रिविनस डक्ट। ओके रिविनस डक्ट। देन जो आपकी सब सब मैक्सिलरी, इसकी डक्ट होती है आपकी वॉर्टन्स डक्ट। ओके गाइस, देन दिस इज डायग्राम एनाटॉमी ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड का एनाटॉमी है, जिसमें आप देख रहे हैं पैरोटिड ग्लैंड, देन आपका सबलिंगुअल ग्लैंड एंड सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ओके वेट, ओके ओके दिस इज अ पैरोटिड ग्लैंड, मैंने कहा ना जस्ट आपके नियर द ईयर होती है पैरोटिड ग्लैंड एंड इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड। देखिए आपके थ्री ग्लैंड हैं, सबसे लार्जेस्ट आपकी पैरोटिड ग्लैंड है ना। नेक्स्ट आपका है सबलिंगुअल, ओके ये जस्ट आपके टंग के नीचे होती है। ओके देन दिस इज अ सब मैंडिबुलर टंग। ओके नेक्स्ट डायग्राम भी आप लोग देख लीजिए, दिस इज नेक्स्ट डायग्राम। ओके इसमें भी आप सबलिंगुअल, सब मैक्सिलरी एंड सब, ये आपका सबलिंगुअल है ठीक है, देन दिस इज सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी बोलते हैं इसे, देन दिस इज अ पैरोटिड ग्लैंड। ओके देन पैरोटिड ग्लैंड की आपकी डक्ट है ये, ओके स्टेंसन्स डक्ट एंड आपका रेविनस एंड आपकी नेक्स्ट डक्ट थी आपका वॉर्टन्स डक्ट। ओके नेक्स्ट आपका आता है फंक्शंस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शंस। ओके सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शंस, द डाइजेस्टिव एंजाइम टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज, डाइजेस्टिव ग्लैंड के जो एंजाइम्स हैं, जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड है उसके एंजाइम्स कौन कौन होते हैं आपके, फर्स्ट आपका टाइलिन और सलाइवरी एमाइलेज। ओके एंजाइम्स कौन कौन से इसके आपके, एक आपका टाइलिन और दूसरा सलाइवरी एमाइलेज, जिसका पीएच कितना होता है, पीएच 7 होता है। हाइड्रोलाइज स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इंटू माल्टोज, ये आपके स्टार्च को एंड ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करती इंटू माल्टोज में एंड आइसोमाल्टोज में एंड आपका डेक्सट्रिन में। ओके देन आपका नेक्स्ट पॉइंट है सम अमाउंट ऑफ माल्टोज सुगर, कुछ अमाउंट आपका माल्टोज सुगर का है, इज हाइड्रोलाइज इंटू ग्लूकोज, ये किसमें आपका हाइड्रो होता है ग्लूकोज में, बाय द एंजाइम ऑफ माल्टेज, माल्टेज एंजाइम के प्रभाव में जो आपका माल्टोज सुगर है वो कन्वर्ट किसमें हो जाएगा आपका ग्लूकोज में। एंड आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है इससे आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है, तो म्यूकस सीक्रेट करती है, तो म्यूकस प्रेजेंट इन सलाइवा, आपका म्यूकस प्रेजेंट होता है सलाइवा में जो मिक्स होता है विद फूड, फूड के साथ एंड मेक्स इट सॉफ्ट एंड बिस्कस टू बी इजीली मैस्टिकेटेड बाय ग्राइंडर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, ये आपका फूड, अब आपका जो आपके फूड में जो आपने फूड लिया था उसमें सलाइवा मिक्स हो गया एंड इसमें म्यूकस प्रेजेंट होता है, देन ये आपके फूड को सॉफ्ट एंड विस्कस बनाता है, जो जिसको हम ईजिली मैस्टिकेट कर सकते हैं, चबा सकते हैं, किसके द्वारा, ग्राइंडर्स आई मीन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स के द्वारा। ओके नेक्स्ट आपका है विथ सलाइवा द चर्न्ड फूड, जो सलाइवा होता है वो आपका फूड को चर्न करता है, फॉर्म्स अ बोलस, और क्या बनाता है आपका बोलस, ध्यान रखिए जब आपके फूड में सलाइवा मिक्स हो जाएगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, बॉलस। ओके देन बॉलस में जब आपका एसिड, ठीक है, जो आपका आपकी जो स्टोमक है उसमें जो आपके एंजाइम्स होते हैं, अगर वो बॉलस में अगर वो प्रेजेंट हो जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे काइम। ओके नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पर, देन विथ सलाइवा द चर्न फूड फॉर्म अ बॉलस, बॉलस बनाता है टू वी सोलो इजिली, से हम इजिली सोलो कर सकते हैं, निगल सकते हैं। ओके नेक्स्ट है आपका सलाइवा कीप्स टंग एंड बक्कल कैविटी मॉइस्ट, जो आपके सलाइवा हैं, ओके जो आपके सलाइवा हैं वो आपके टंग एंड बक्कल कैविटी को मॉइस्ट रखते हैं एंड हेल्प इन स्पीकिंग, अगर आपके माउथ में सलाइवा होगा तो आपको स्पीकिंग में ये हेल्प करता है। ओके देन सलाइवा हेल्प्स इन टेस्टिंग द फूड, सलाइवा हेल्प करता है फूड के टेस्टिंग में, देन लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, आपके सलाइवा में अगर लाइसोजाइम एंजाइम प्रेजेंट होता ही है
एक्ट एज अ एंटी बैक्टीरियल एजेंट दैट दैट प्रिजेंटिंग इन्फेक्शन। लाइसोजाइम जो एंजाइम है वो एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट होता है जो आपका प्रिवेंट करता है इन्फेक्शंस को। ओके देन आपका नेक्स्ट आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके फर्स्ट फर्स्ट हमने कौन सा पढ़ा है, आपका सलाइवरी ग्लैंड, देन गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ओके ये आपका क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। दीज आर द न्यूमरस, ये कितनी होती है, न्यूमरस, ठीक है, सिंपल और ब्रांच्ड ट्यूबुलर ग्लैंड है। ये आपकी कैसे होती है, न्यूमरस, कई सारी हैं, सिंपल हैं, ब्रांच्ड हैं एंड ट्यूबुलर ग्लैंड है, प्रेजेंट इन द म्यूकोसा ऑफ द स्टोमक। मैंने जो लेयर्स पढ़ी थी एलिमेंट्री कनाल की, म्यूकोसा, सिरोसा, ठीक है ना, सम सम आपका एक सिरोसा था, ठीक है, देन इसमें जो स्टोमक का जो म्यूकोसा है, ठीक है ना, उसमें ये गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। दीज ग्लैंड्स हैव द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, जो आपकी ग्लैंड्स हैं ये फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। फर्स्ट वन इज चीफ और पैप्टिक, या इसे जाइमोजन सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट ऑग्जेंटिक या पैराइटल सेल बोलते हैं। नेक्स्ट गॉबलेट और म्यूकस सेल्स बोलेंगे। नेक्स्ट आपका होता है आर्जेंटिफिन सेल्स एंड एंडोक्राइन और गैस्ट्रिन और जी सेल्स। ओके इन सब को हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। ओके दिस इज आपका चीफ और पैप्टिक और जाइमोजन सेल्स। वेट चीफ, जस्ट वेट, ओके ओके चीफ और पैप्टिक और जाइमोजन सेल्स। दिस सेल्स सीक्रेट टू प्रो एंजाइम्स, ये जो सेल्स हैं आपकी वो सीक्रेट करती हैं टू प्रो एंजाइम्स, वन आपका पेप्सिनोजन एंड प्रोनेडिन, एंड एंजाइम सीक्रेट करती हैं गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज। आपको याद रखना है जो आपकी चीफ और पैप्टिक सेल्स होती हैं, जाइमोजन सेल्स होती हैं आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड में, वो आपका गैस्ट्रिक लाइपेज एंड गैस्ट्रिक एमाइलेज एंजाइम सीक्रेट करती है। नेक्स्ट आपका आता है ऑग्जेंटिक और पैराइटल सेल। दिस सेल सीक्रेट SCL, ठीक है, ऑग्जेंटिक और पैराइटल सेल्स क्या सीक्रेट करती हैं, SCL, एंड ये इंट्रेंसिंग फैक्टर सीक्रेट करती हैं। इंट्रेंसिक फैक्टर होता है वो आपके विटामिन B12 को एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जो आपका इंट्रेंसिक फैक्टर होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ओके देन है गॉबलेट और म्यूकस सेल्स। दिस सेल सीक्रेट म्यूकस। ओके देन आर्जेंटिफिन सेल्स। दिस सेल सीक्रेट सिरोटोनिन। इट स्टिमुलेट कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। यह आपके स्मूथ मसल्स को इसका जो सिरोटोनिन का जो स्टिमुलेट है, जो स्टिमुलेशन सिरोटोनिन आपकी जो सीक्रेट करता है, ये सिरोटोनिन आपका जो सिरोटोनिन है वो स्मूथ मसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। ओके देन आपका है एंडोक्राइन और गैस्ट्रिन और जी सेल। दिस सेल्स आर प्रेजेंट मेनली इन पाइलोरिक एंट्रम। ओके एंडोक्राइन और गैस्ट्रिक और जी सेल्स जो होती हैं वो आपके पाइलोरिक एंट्रम में मिलती हैं। सीक्रेट हार्मोन गैस्ट्रिन, ये आपका कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती हैं, गैस्ट्रिन, दैट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एंजाइम्स एंड SCL फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड। ओके गैस्ट्रिन ग्लैंड से आपका SCL सीक्रेशन करती हैं ये, दैट स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड SCL फ्रॉम गैस्ट्रिन ग्लैंड। गैस्ट्रिन ग्लैंड से आपका SCL एंजाइम्स को सीक्रेट करवाती हैं। ओके नेक्स्ट आपका है ऑल दी जूस कलेक्टिव, जो आपके जितने भी एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं वो आपके ऑल दी जूस कलेक्टिव फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। ये सारे आपके जितने भी एंजाइम्स वहाँ पे कहाँ से आते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। इट्स डेली सीक्रेशन, जो आपका इनका डेली का सीक्रेशन होता है वो 2 to 3 liters पर डे। गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो एंजाइम्स का सीक्रेशन है वो आपका पर डे 2 to 3 liters का सीक्रेशन होता है। ओके द pH ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज 1.2 to 1.8। जो pH होता है गैस्ट्रिक जूस का या SCL का वो 1.2 to 1.8 आपका pH है इसका। गैस्ट्रिक सीक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाई द थॉट ऑफ फूड। गैस्ट्रिक का सीक्रेशन कैसे होता है, कब स्टिमुलेट करता है, जब आप फूड को सोचते हैं, उसके थिंक अबाउट फूड एंड स्मेल ऑफ फूड, जब आप फूड की स्मेल जब आपको स्मेल आती है फूड की, एंड च्यूइंग ऑफ फूड, जब आप फूड को चबाते हैं, एंड कॉन्टैक्ट ऑफ फूड विद स्टोमक वॉल। ओके जब स्टोमक वॉल के कॉन्टैक्ट में फूड आता है तब। ओके
जो एलिमेंट्री कनाल है उसकी वॉल है, ठीक है, सिरोसा एंडो मस्कुलरिस सब म्यूकोसा एंडो म्यूकोसा, ये लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, इट्स ओके। देन ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड में, ये आपका गैस्ट्रिक पिट है, तो गैस्ट्रिक पिट में ही आपके, देखिए ये आपका क्या है, गैस्ट्रिक पिट, ओके, गैस्ट्रिक, देन गैस्ट्रिक पिट में आपकी कई सारी सेल्स होती है, पेराइटल सेल है आपका, चीप सेल है, ठीक है, एंडोक्राइन सेल है, तो आपकी सारी सेल्स होती हैं, ओके। देन ये देखिए, ये आपका है गैस्ट्रिक पिट, देन गैस्ट्रिक पिट में आपकी सेल्स हैं कई सारी, ठीक है, म्यूकस सेल्स हैं जो म्यूकस सीक्रेट करती है, देन आपका पेराइटल सेल है ये, एंड चीप सेल एंड जी सेल, ओके। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो है इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ओके, ये आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, तो दीज आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द म्यूकस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा है उसमें कई सारी माइक्रोस्कोपिक और न्यूमरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बिटवीन द विलाई, ठीक है, विलाई के बीच में, दीज आर द फॉलोइंग टू टाइप्स, एक क्रिप्ट ऑफ लिवर कॉर्न और ब्रूनर्स ग्लैंड, याद रखना जो आपके इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उसमें आपके टू टाइप्स की ग्लैंड्स होते हैं, फर्स्ट वन इज क्रिप्ट ऑफ लोअर कॉर्न एंड ब्रूनर्स ग्लैंड, ओके, इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, ओके, देन क्रिप्ट ऑफ लिवर कॉर्न, ओके, दीज आर मल्टी सेलुलर, ये कैसे होती हैं आपकी मल्टी सेलुलर होती हैं, ओके, दीज आर मल्टी सेलुलर, सिंपल होती हैं, स्ट्रेट ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं, प्रेजेंट इन थ्रू आउट द म्यूकोसा ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की पूरी म्यूकोसा में होती है, एट द बेस ऑफ ब्लाई, और कहाँ होती है, ब्लाई के जस्ट, सपोज ये ब्लाई है तो ब्लाई के जस्ट बेस पे, दीज सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करती हैं एंड म्यूकस को, दे हैव फोर टाइप ऑफ सेल्स, जैसे कि आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड में सेल्स थी ऐसे ही आपके यहाँ सेल्स हैं, फर्स्ट पिनेट सेल्स एंड आर्जेंटिफिन सेल्स, कॉपलेट सेल्स, ओके, देन पिनेट सेल्स सीक्रेट लाइसोजाइम, ठीक है, एंड एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ये क्या करती है, लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करती है, एंड ये कैसी होती है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, एंड आर्जेंटिफिन सेल्स, और इसी को हम बोलते हैं एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स, प्रोड्यूस सीक्रेटिन एंड सिरोटोनिन हार्मोन, ओके, सिरोटोनिन हार्मोन एंड सीक्रेटिन को सीक्रेट करती है, गॉबलेट सेल्स म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स प्रोड्यूस एंजाइम ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जो आपकी एंजाइम सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं इसके अंदर वो इंटेस्टाइनल जूस को सीक्रेट करती हैं, ओके। देन आपका है ब्रूनर्स ग्लैंड, ओके, सेकेंड वन इज ब्रूनर्स ग्लैंड, दीज आर द कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड, ये कैसी होती हैं, ये कंपाउंड ट्यूबुलर्स ग्लैंड होती हैं, प्रेजेंट ओनली इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, याद रखना अभी हमने जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन पढ़ा, ओके, वो हमने जो क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन था वो आपका म्यूकोसा में प्रेजेंट था, बट जो आपका ये ब्रूनर्स ग्लैंड हैं वो आपके ड्यूडेनम की म्यूकोसा में प्रेजेंट होती हैं, समझे ना, फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो आपकी ब्रूनर्स ग्लैंड हैं वो ड्यूडेनम की म्यूकोसा में, सब म्यूकोसा प्रेजेंट होती हैं, ओके, एंड क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन था वो आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी म्यूकोसा प्रेजेंट होती है, ओके, दे ओपन इन टू क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन, और जो ब्रूनर्स ग्लैंड है जो आपकी क्रिप्ट ऑफ लिवर कोहन थी उसमें ओपन होती हैं, दे सीक्रेट्स एल्कलाइन, इनका इनका सीक्रेशन कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, एंजाइम फ्री वॉटरी सिक्रेशन, ये एंजाइम्स फ्री होता है लेकिन ये वॉटरी सिक्रेशन होता है, सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ग्लैंड इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो कोई भी सिक्रेशन आता है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस, याद रखना दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो एंजाइम सीक्रेट होता है उसको हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, ओके, इट इज अल्कलाइन, ये कैसा होता है, अल्कलाइन होता है, ओके, और जो आपका स्टोमक का था वो एसिडिक था, देन पीएच 7.8 से 8.3 होता है, वहाँ 1.2 पीएच था उसका स्टोमक में, गैस्ट्रिक ग्लैंड में, इट कंटेन्स एंजाइम्स माल्टेज आइसोमाल्टेज सुक्रेज लैक्टेज एंटेरोकाइनेज, ओके, एमिनोपेप्टाइडेज डाइपेप्टाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज इंटेस्टाइनल लाइपेज, इट्स अबाउट 2 से 2 to 3 लीटर्स ऑफ इंटेस्टाइनल जूस इज सीक्रेटेड पर डे,
स्टोमक में क्या था, 7 से 8 लीटर पर डे था, ओके। देन यहाँ पे आपका 2 से 3 लीटर, ओके, 2 से 3 लीटर इंटेस्टाइनल जूस पर डे सीक्रेट होता है, ओके, गॉट इट पॉइंट। नेक्स्ट, अब आपके पास डायग्राम है, ये लेक्चर फिनिश ही कर रही हूँ मैं, लेंथी हो गया लेक्चर है ना, बट इट्स ओके, ओके ओके। देन दिस इज विलाई, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखिए, ये आपके इंटेस्टाइनल की वॉल है। देन ये देखिए, ये आपका ब्रूनर्स ग्लैंड है, ये आपका क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन है, ओके ओके, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन एंड ब्रूनर्स ग्लैंड। नेक्स्ट आपका पीनिट सेल्स हैं ये, ठीक है ना, ये आर्जेंटिफिन सेल्स हैं, ओके, ये डक्ट्स ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड हैं, डक्ट्स ऑफ ब्रूनर्स ग्लैंड। एब्जॉर्प्टिव सेल्स हैं जो फूड को एब्जॉर्ब करती हैं, दिस इज गॉबलेट सेल्स, ओके। नेक्स्ट आपका है क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन, ये आपका क्या है, क्रिप्स ऑफ लिवर कोहन है। इसमें आप देखिए, इसमें आपका ये पीनिट सेल्स, ओके, गॉबलेट सेल्स, ये आपका सारा लिख रखा है, पीनिट सेल्स, ओके, देन गॉबलेट सेल्स, ओके गाइस, ये आपका क्रिप्ट्स है, ओके, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेटिंग होती हैं एंड पिनेट सेल एंजाइम सीक्रेटिंग होती हैं, ओके। देन ये आपका ड्यूडनम, ये आपका है ब्रूनर्स ग्लैंड, ठीक है ना, आप कहा ना ड्यूडनम की सब म्यूकोसा मिलता है आपका ब्रूनर्स ग्लैंड। देन ब्रूनर्स ग्लैंड में ये आपका म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा एंड सिरोसा, और ये मस्कुलरिस है, ओके। देन यहाँ पे ये आपका ब्रूनर्स ग्लैंड, ओके गाइस। देन ये लेक्चर मैं यहीं फिनिश करती हूँ, ओके। आज हमने जो ग्लैंड्स पढ़ी हैं वो आपकी ग्लैंड्स हैं, आपकी फर्स्ट वन इज सलाइवरी ग्लैंड, ओके, आपका फर्स्ट, आपका फर्स्ट आपकी है सलाइवरी ग्लैंड, ओके। सेकंड आपकी हमने पढ़ी गैस्ट्रिक ग्लैंड, थर्ड इज आपकी इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो होगा आपका लिवर पे, ओके। देन आपकी जो नेक्स्ट ग्लैंड होगी वो होगी पेंक्रियास, ओके, आपकी 5 ग्लैंड है, पेंक्रियास देन लिवर। तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर हम में डिस्कस करेंगे वो आपका है लिवर, ओके, थैंक यू।